नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो आई होप सो संडे एंजॉय किया होगा, है ना? अब भाई संडे एंजॉय किया है तो आज काम वाला दिन आ गया, दैट मीन्स मंडे इज अ वर्किंग डे, राइट? तो भाई अब काम करना है। तो सब लोगों को जैसा हम लोग हमेशा से लेके चलते हैं चीज़ों को, वैसे ही हम लोगों को फिर से चीज़ों को लेकर चलना है कि भाई हम लोगों का जो एम है, एम से हमको नहीं भटकना है, हमें अपने एम पर रहना है और आगे चलते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है और इसी का नाम जिंदगी होता है, ठीक है? तो चलिए, तो आई होप सो सभी लोग रेडी होकर आए होंगे, सभी लोगों ने रिवीजन किया होगा। थर्मल इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी क्लास हम लोग स्टार्ट कर की हुई है हम लोगों ने। चारों सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, शॉर्ट नोट्स भी हमारे बनते जा रहे हैं और कुछ कुछ नॉलेज भी हम लोगों को मिलती जा रही है ना? चलिए तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक बार सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए, देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, गर्वित अभी अभिषेक सुनील, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलो सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि काफी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं और काफी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ऐसे हो कि दैट मीन देयर इज अ क्वालिटी क्वेश्चंस हो, जिससे नॉलेज भी आपकी थोड़ी सी गेन हो जाए और हमारे शॉर्ट नोट्स भी जल्दी जल्दी से रिकॉल हो जाए। नहीं, चलिए प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए चलिए बेटा, राम राम भाई गर्वित, राम राम। चलो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए, पढ़िएगा ध्यान से। एक न्यूमेरिकल है, लल्लू लाल सा न्यूमेरिकल, देखते कितने लोग कर पाते हैं। चलिए हरि अप, वेरी गुड इवनिंग रूपम बेटा, और वेरी गुड इवनिंग गुलाब सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट एग्जिट अक्रॉस अ स्टीम विसल which is perfectly insulated and does not perform any work and undergo a drop of 0.2 kilojoule per kg enthalpy from an exit. तो आप यहाँ पर हम बात करते हैं विसल का काम क्या है, जो विसल है, विसल का काम क्या है? बोला सर इट इंक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है, इज एक्ट एज अ नोजल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्ट एज अ नोजल, ठीक है? तो नोजल के लिए हम लोगों को नोजल ऐसे ट्रीट करो, और नोजल ट्रीट करके फिर इसका मुझे आंसर बताइए। अमित कुमार जी राम राम, राम राम। चलिए तो क्या बोला गया, जल्दी बताओ इसका आंसर। शिंटू बॉम्बे, बाकी लोग, बाकी लोग। गुलाब सिंह जी नमस्ते बच्चे, नमस्ते। राहुल गुड इवनिंग सर, नमस्कार। आज अच्छा ब्रजकांत को लेकर आए हो, वेरी गुड ब्रजकांत। हाँ बहुत दिनों से ब्रजकांत आ नहीं रहा था, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। वेरी गुड इवनिंग ब्रजकांत, तुम लोग क्यों आओगे भाई, तुम लोग अब बड़े आदमी हो गए हो, तुम लोग अब बड़े आदमी हो गए, तुम हमें क्यों याद रखोगे। चलो क्वेश्चंस करो। चलिए तो बेटा सीधा सा क्वेश्चन है, हमको एग्जिट वेलोसिटी निकालनी है, तो हम लोग क्या कहेंगे? बोला सर देयर इज अ 2000 इनटू डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, बस इसको पुट कर दो, चेंज इन एंथैल्पी आपको कितनी दी है 0.2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर 4400 का स्क्वायर बेटा कितना होता है अंडर रूट, दैट मींस देयर इज अ 20, तो दैट मींस देयर इज अ 20 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दैट मींस आंसर इज व्हाट, दैट मींस देयर इज अ बॉम्बे, आंसर इज बॉम्बे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। लहरों को साइल की दरकार नहीं होती, हौसलों हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है ब्रजकांत, यार इन चीजों को हम बहुत मिस करते थे, लेकिन तुम तो आते ही नहीं थे, क्या बात है, बड़े हो गए, उसका मतलब है क्या बात थी, कोई और बात थी? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी क्लास को हमेशा फॉलो करता रहूंगा, जो भी सीखा आपसे ही सीखा। थैंक यू बेटा। अच्छा, बड़े नहीं हुए फिर आते क्यों नहीं थे? चलिए क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आज। क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर रहे हो, बातों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हो। चलिए, एंड हीट इंजन इज सप्लाइड विद 278 किलोवाट ऑफ द हीट एट अ कॉन्स्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर ऑफ 283 डिग्री सेल्सियस एंड द हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस एट 5 डिग्री सेल्सियस द इंजन इज रिवर्सिबल इफ द हीट रिजेक्टेड इन किलोवाट इज। रौनक आगरा। चलिए और चलिए बच्चे, चलिए फास्ट। ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करो। क्या बात है, आज तुम्हारे दैट मीन संडे को ज्यादा एंजॉय कर लिया मुझे लगता है, तभी क्लास में दैट मीन्स आंसर नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक या दो है। पहले वाले क्वेश्चन को सिंटू ने आंसर किया, इसने आंसर किया, रौनक ने, बस बाकी लोग। चलो तो बेटा, अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल, अगर मेरा एक हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो हम लोगों ने पढ़ा था द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ by T इज इक्वल्स टू जीरो। याद करो क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहता है कि भाई लेस देन द साइक्लिक इंटीग्रल of dQ by T is less than equals to 0 is known as Clausius inequality. अगर less than होगा तो क्या होगा? Cycle is irreversible. और अगर equal होगा तो क्या होगा? Cycle is reversible. Got it? चलिए, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, that means minus Q2 by T2 is equals to what बेटा? That means there is a 0. ठीक है, तो दैट मीन इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन में T2। बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बोला सर डेफिनेटली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। Q1 आपको दे रखा है 278, T1 आपको दिया है 283, तो मैं कहना चाहूंगा ये आपका आ जाएगा 556। ये आपको फाइंड आउट करना है हीट रिजेक्टेड, ये आपको दे रखा है 278, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा दिस इज डिवाइडेड बाय हाफ, इसको ऊपर ले जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 138 किलोवाट द हीट इज रिजेक्टेड, 138 द हीट इज रिजेक्टेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो सिंटू, सुनील, अमित, धनंजय, रौनक, सभी लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो आंसर मेरा क्या हो गया? बॉम्बे। आई होप सो आर यू गेटिंग मी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोगों को किसकी हेल्प लेनी है? द क्लॉसियस इनइक्वालिटी। किसकी हेल्प लोगे? द क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये अगर याद है तो आसानी से क्वेश्चन को निकाल दोगे। चलें आगे। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, ये आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेगा, ये आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेगा और आपका क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व करवा देगा। चलिए, और क्वेश्चंस को देखो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। किस लिए मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए ही ना। जब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एक बात बताओ, मेरा क्या मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने का, क्या मतलब ना। चलिए आ जाइए, ध्यान से पढ़िएगा, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। 2017 या 2018 का एसएससी जेई का क्वेश्चन है बेटा ये। 2017 या 2018 का एसएससी जेई का क्वेश्चन है जो प्री में आया था, और लोगों को जब ये क्वेश्चन करते हैं तो लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर सॉल्व करके दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को
अब आवाज आ रही है बेटा, सर आप क्या भेजा निबंध हो गई है, दैट मीन्स अमित समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं बेटा। चलिए चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। तो हम लोगों ने लिखा, ये लिख लिया, चलो देखते हैं कितने का आंसर आया। रौनक आंसर आया बॉम्बे, सुनील आंसर दे रहे हैं बॉम्बे, शिवानी आंसर दे रही है बॉम्बे, और राहुल भाई कह रहे हैं कैन नॉट डिटरमाइन दैट मीन्स चेन्नई। बाकी सब लोग आंसर दीजिए। तो सर कहने का मतलब ये हो गया, ये कह रहा है क्या हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सोर्स टेम्परेचर, सोर्स इतना रिजेक्ट इतना एट रिसीव 5 kW ऑफ हीट, वर्क डन फ्रॉम दिस इंजन इज इक्वल टू द 0 kW, ठीक है, डज दिस सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस। वो ये कह रहा है कि भाई ये जो इंजन आपका है ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए क्लॉसियस इनइक्वालिटी होती क्या है। ये हमारे पास है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, तो दैट मींस लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर पॉसिबल है तो मैं कहूंगा कि मेरा आंसर यस होगा। अगर इसके अंदर दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है तो मेरा आंसर नो होगा, यही ना। अगर अदरवाइज होगा तो कैन नॉट डिटरमाइन होगा। तो चला देखते हैं। चलो अब हमको यहां पर बोल दिया कि भाई वर्क इज 0, ये आपका क्या हो गया हीट सप्लाई, ये आपका हो गया हीट वर्क 0। तो जब इसने बोल दिया कि इस इंजन से वर्क हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा 5 kW आपकी हीट सप्लाई की, वर्क आपको 0 मिला, तो मैं कहना चाहूंगा हीट रिजेक्शन आपका कितना हो जाएगा, आपका हीट रिजेक्शन कितना हो जाएगा। अगर मैं 5 kW हीट सप्लाई कर रहा हूं इस इंजन को और मुझे वर्क मिल रहा है 0, वर्क मिल रहा है 0, तो जरा देखो कितना हो जाएगा। बोले सर वर्क मैं जानता हूं, हीट सप्लाई माइनस में हीट रिजेक्शन, ये तुझे 5 दिया है, ये R है, और ये अगर 0 हो गया तो मैं कहना चाहूंगा बेटा QR सारी की सारी हीट सप्लाई क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, दैट मीन देयर इज अ नो वर्क, दैट मीन देयर इज अ नो वर्क। तो मैं कहना चाहूंगा क्यू रिजेक्शन भी आपका क्या आ जाएगा 5 kW ही आ जाएगा। बोला सर 5 kW ही मेरा क्यू रिजेक्शन आ जाएगा, बस कर लो पुट। बोला सर मुझे ये निकालना है, तो अगर मैं ये निकालूंगा तो मैं लिखता हूं डी क्यू बाय टी प्लस Q1 मेरा 5, T1 मेरा 473 माइनस 5 मेरा हीट रिजेक्शन, दैट मीन देयर इज अ 278। क्लियर है। अब आधे से ज्यादा लोगों को यहां कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर से करोगे ये जो है, कैलकुलेटर से करोगे ये आपका क्या आ जाएगा, दैट मीन देयर इज अ डी क्यू बाय टी इज लेस देन 0, ये आपका नेगेटिव आएगा, ये आपका क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है लेस देन 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस yes. इसका आंसर क्या होगा यस, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा यस yes हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गुरुदेव SSC JEE में तो कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है, SSC JEE में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो गलत दे दिया। बेटा उसने गलत नहीं दिया, बिल्कुल सिंपल सा दिया है। जब बच्चा तू ये देख सकता है कि ये दोनों जब सेम है तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू इन दोनों पर डिपेंड करेगी। जब ऊपर वाले सेम है यानी न्यूमरेटर आपके सेम है तो दोनों वैल्यू जो वैल्यू है क्यू इसकी ये किस पर डिपेंड करेगी, डिनोमिनेटर पर डिपेंड करेगी, बोलो हाँ या ना, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी, हाँ या ना। बोला सर डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी। तो अब आप लोग देख सकते हो कि अगर ये वैल्यू है स्मॉल, ये वैल्यू है लेस, और ये वैल्यू है मोर, क्लियर है। तो बेटा जब ये नीचे वाली वैल्यू मोर है तो मैं बोलना चाहता हूं ओवरऑल ये क्या आएगा, और जब ये नीचे वाली लेस है तो मैं बोलना चाहता हूं ओवरऑल क्या आएगा। बोला सर ये अगर मोर है तो ओवरऑल ये लेस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी मोर हो जाएगी। जब ये मोर हो गया तो हमारा क्या आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है लेस देन 0 होता है। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मेरा आंसर यस हो जाएगा, मेरा आंसर यस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, समझे मेरी बात कुछ। बोले सर नेगेटिव ये डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा, ये डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर इसका लेस है इसका मोर है, अगर ये लेस है तो मैं कह जाता हूं ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू मोर आएगी, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी लेस आएगी। अब इन 200 घटाओगे तो मोर में से क्या नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, बोलो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और अगर तुमको लगे कि सर ऐसा नहीं है कैलकुलेट करके देख लेना, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी पॉजिटिव वैल्यू कम आएगी। तो यहां से भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। तो बेटा ये चीजें थोड़ा सा ट्रिकी हैं, ये वही आदमी सीख सकता है जिसको थोड़ी सी
प्रैक्टिस है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने इसको सीख लिया। अब जब भी आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैलकुलेटर को भूल के थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि बिना कैलकुलेटर इसको आप सॉल्व कर सकें, बिना कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर सकें। ओके ओके बेटा, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, बैकग्राउंड साउंड आ रही है भाई। बेटा क्या करूं, बैकग्राउंड क्यों छांड आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है ना। चलो बोलते हैं सर, थोड़ा धीरे बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। बंद कर दें थोड़ी देर इसको। चलिए चलिए, ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करेगा। लाइक और शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा बच्चा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को और भी मिलते रहेंगे, लेकिन आप ये मुझे विश्वास दिलाएं कि हाँ सर, ये मुझे विश्वास दिलाएं कि हाँ सर, हम लोग मेहनत करने को तैयार है, बस आप लोग हमारे लिए क्वेश्चंस लाते जाइए। तो आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। हमें आदत क्या होती है, कैलकुलेटर की तरफ भागते हैं, वही बात होता है ना, सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ भागा जाता है। नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, मेहनत करो, चीजों को सीखो कि हाउ टू हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर, राइट। चलिए, फ्यूजिबल प्लग इज फिटेड इन अ बॉयलर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द स्टीम, नहीं। कीप द बॉयलर प्रेशर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, नहीं। एक्सटिंग्विशर ऑफ द फायर इन केस ऑफ लो वाटर लेवल, ऐसा कुछ है। अलाउ द पैसेज ऑफ ओनली सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम द बॉयलर, बिल्कुल गलत है। तो दैट मीन्स आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, आप लोगों से पूछ ले कि जो आपका फ्यूजिबल प्लग होता है, आप लोगों से पूछ ले कि आपका जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो आप बता देंगे किस मटेरियल का बना होता है, आप बता देंगे। बोला हाँ सर, दैट मीन्स ये जो आपका बना है किस मेटल का बना होता है, दैट मीन्स देयर इज अ गन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, गन मेटल का बना होता है। कई बार दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो फ्यूजिबल प्लग क्या काम आता है, इट प्रोटेक्ट द बॉयलर फ्रॉम ओवरहीटिंग। अगर वाटर लेवल आपका डिक्रीज होता है तो इसको ओवरहीटिंग से बचाता है। फ्यूजिबल प्लग किसका बना होता है, गन मेटल का बना होता है, लेड इन टिन बिस्मथ। वेरी गुड राहुल, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करे। चलिए चलिए चलिए, गन मेटल, वेरी गुड, लेड बिस्मथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए, सब मटेरियल साइंस पढ़ रखी है, अच्छी बात है भाई। लेड भी होता है गन मेटल में, बिस्मथ भी होता है, और लेड तनबन, ये चीजें होती हैं। वेरी गुड वेरी गुड सुनील, अविनाश, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश। बस इस तरीके की तैयारी रखो कि अगला क्वेश्चन आए आंसर हम देते जाएं। चलिए बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल क्वेश्चन सा। और बॉयलर आजकल एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो रखा है, बॉयलर आजकल एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो रखा है, तो हमको इसको नहीं छोड़ के जाना है। चलो आ जाओ, आइडेंटिफाई द बॉयलर विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम यूनिट टाइम एट हाई प्रेशर। तो सीधा सीधा है, ये किसकी बात पूछ रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। बोला सर, ये हमारे से बात कर रहा है हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में। किसकी बात कर रहा है, हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो बेटा आप लोगों को पता है, आगरा बॉम्बे दोनों ही कैसे हैं, आगरा बॉम्बे दोनों ही कैसे हैं, लोकोमोटिव, दैट मीन दोनों ही लो प्रेशर बॉयलर है। स्कोच हम लोग कह सकते हैं इसमें कुछ है, लेकिन बेसिकली आप लोगों के लिए बैबकॉक विलकॉक्स जो हमारा बॉयलर है उसमें हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो दैट मींस बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर जो है वो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा, आप लोगों को देखा होगा, अगर चलो अब इसकी बात कर ली हम लोगों के पास बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, किसकी बात करी, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, ठीक है। चलो मुझे बता दो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल बॉयलर या वर्टिकल बॉयलर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल बॉयलर या वर्टिकल बॉयलर, बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या इंक्लाइंड। भाई हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, वर्टिकल बॉयलर होता है या इंक्लाइंड बॉयलर होता है, जरा कोई बताएगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए,
हॉरिजॉन्टल होता है। इस बार बहुत क्वेश्चन आए थे, अब की बार भी बहुत सारे आए थे बेटा, अब की बार भी बहुत सारे आएंगे। शिवानी इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और दिखा देखते हैं कितने लोगों को पता है भाई हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड और वर्टिकल जल्दी बता दीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइंड, वेरी गुड। तो बेटा सुनो मेरी बात, ये क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल, इट इज द हॉरिजॉन्टल, क्या हॉरिजॉन्टल भी है और इंक्लाइंड भी है, दैट मींस क्या इंक्लाइंड भी है। तो बोला सर ये क्या बात हुई, तो बेटा हॉरिजॉन्टल इसका क्या होता है, ड्रम होता है। इसका जो ड्रम है आपका, जो जो हमारा बॉयलर ड्रम होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, और जो हमारी ट्यूब्स होती हैं वो हमारी क्या होंगी, इंक्लाइंड ट्यूब्स होती है। इसके अंदर जो ट्यूब है, वाटर ट्यूब, जो वाटर ट्यूब है वो कैसी होती है, इंक्लाइंड, दैट मींस बोलते हैं दीज आर बेंट, क्या होंगी बेंट। इनके बीच में जो डिग्री होती है बेंट, ये 5 से 15 डिग्री के थ्रू बेंट होती है। तो ध्यान रख लेना, इट इज द हॉरिजॉन्टल ड्रम बॉयलर, हॉरिजॉन्टल ड्रम और इंक्लाइंड ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ड्रम और इंक्लाइंड ट्यूब, दैट मींस इसकी जो ट्यूब है वो थोड़ी इंक्लाइंड होती है, दैट मींस 5 to 50 डिग्री पे होती है, बेंड होती है, राइट right? याद रखिएगा, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, किसी को याद नहीं हो तो लिख लेना, याद कर लेना, ठीक। चलो, क्योंकि बॉयलर से, और इस साल भी मुझे विश्वास है, इस साल भी मुझे विश्वास है कि बॉयलर से काफी हद तक क्वेश्चंस देगा, और घबराओ मत, पिछले साल 2018 में भी बॉयलर से क्वेश्चंस आए थे, 2019 में भी बॉयलर से क्वेश्चंस आए हैं। जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो मैं एक बॉयलर की स्पेशल क्लास लगवाऊंगा, एक बॉयलर की स्पेशल क्लास लगाएंगे, उस बॉयलर की स्पेशल क्लास में एक क्लास पूरा बॉयलर को पढ़ाने का होगा, एक क्लास आपकी बॉयलर की दैट मींस क्वेश्चंस पे रिलेटेड होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एसेसरीज डज नॉट नीड फ्लू गैसेस फॉर इट्स ऑपरेशन, फ्लू गैसेस इट्स ऑपरेशन के लिए यूज नहीं करती हैं, बता दीजिए जरा, बता दीजिए। शिवानी, रौनक, सुनील, अविनाश, रौनक, गर्वित, शुभम, अंजलि, राजा, अंजलि बेटा बहुत दिनों में आए, सब खैरियत है बच्चे, अच्छा वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन होगा सी, दैट मींस देयर इज अ इंजेक्टर, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा इंजेक्टर, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इकोनोमाइजर भी हम लोग यूज करते हैं, एयर प्री हीटर भी हम लोग यूज करते हैं, और सुपर हीटर भी हम लोग यूज करते हैं। कब तक आएगा बेटा, हो सकता है लास्ट, इस सुनने में तो आया था, सुनने में तो आया था कि लास्ट वीक में आ जाएगा फरवरी के, लेकिन अब लगते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं, सारे के सारे क्या हैं, बॉयलर एसेसरीज हैं, बॉयलर एसेसरीज है। अगर मुझसे कोई बोले, अगर मुझसे कोई बोले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर, तो आप क्या बोलेंगे, इकोनोमाइजर का क्या फंक्शन है, एयर प्री हीटर का क्या फंक्शन है, एयर प्री हीटर का क्या फंक्शन है, और अगर हम बात करें दैट मीन सुपर हीटर का क्या फंक्शन है, सुपर हीटर का क्या फंक्शन है। तो बेटा हम लोगों को पता है इकोनोमाइजर क्या करता है, दैट मीन्स इट इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इट इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर जो कहां से आ रहा है, फीड पंप से जो आपका टेम्परेचर आ रहा है, फीड पंप से जो आपका वाटर आ रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज करता है। सर एक पैसा वाला क्वेश्चन भी आया, लेकिन किसके लिए प्लीज उसे बता दो सर, एक पास वाला, दैट मीन्स एक पासिस होते हैं बेटा, एक डबल पास, सिंगल पास, ठीक है, पास वाला कल लेकर आऊंगा, पास वाला क्वेश्चन उससे भी समझाऊंगा। एयर प्री हीटर, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, एयर का प्री हीटर, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सुपर हीटर, ये आपकी जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, जो आपकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना हो तो उसको हम बोल देते हैं क्या, सुपर हीटर। क्लियर है, क्लियर है। चलो अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, दैट मींस अगर ये चीजें, ये वाला जो इकोनोमाइजर है और सुपर हीटर है, मैं आप लोगों को साइकिल में दिखाता हूं,
मैं आप लोगों को साइकिल में दिखाता हूं कि ये कहां लगे हुए होते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये साइकिल में दिखाऊं कहां लगे, अपने आप समझ जाओगे कि क्या है। तो सबसे पहले दैट मीन्स हम लोगों ने जब साइकिल पढ़ी थी बॉयलर वाली, तो हमारे पास कौन सी साइकिल थी, बोला सर रैंकाइन साइकिल। तो देखो जरा रैंकाइन साइकिल को एक बार थोड़ा सा नोट करना, रैंकाइन साइकिल आप लोगों के सामने बनाऊंगा, आप खुद कह दोगे कि सर हां कुछ ऐसा ही था। सुनो जरा, तो यहां पर रैंकाइन साइकिल अगर मैं बनाता हूं तो सुनते जाइएगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज द रैंकाइन साइकिल, ये हमारा टर्बाइन होता है, ये हमारा कंडेंसर होता है, ये हमारा पंप होता है और ये हमारा बॉयलर होता है, ऐसा ही कुछ बोला। हाँ तो देखो जरा, ये आपका पंप हो गया जिसको आपने बोला फीड पंप, और ये मेरा क्या हो गया, टर्बाइन हो गया। तो देखो जरा, फीड पंप से जैसे ही बाहर निकला, ये यहां से लेके यहां तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन देयर इज अ टीएस डायग्राम, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर, टेम्परेचर इंक्रीज करा, यहां से लेके यहां तक कुछ लगाया, उसके बाद ड्राई सैचुरेटेड स्टीम आपकी यहां पर होगी, इसका टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया सुपर हीटिंग करवा कर, दैट मींस यहां से लेके यहां तक भी कुछ लगा हुआ है। बोला हाँ, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट भी यहां पर लगा है इकोनोमाइजर, और ये हमारा होता है सुपर हीटर। ये वाला पार्ट है आपका इकोनोमाइजर, ये वाला पार्ट है सुपर हीटर, दैट मींस ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये वाला, ये किसने इंक्रीज किया, इकोनोमाइजर विद द यूज ऑफ फ्ल्यू गैसेस। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ किसके अंदर, सुपर हीटर, किसकी हेल्प से, फ्ल्यू गैसेस। तो दैट मींस ओनली हमको जो हीट सप्लाई करवानी होती है, वो कितनी सप्लाई करवानी होती है, ये है मेरा बच्चा तेरा क्या, जो तू बॉयलर ड्रम के अंदर सप्लाई करवाता है, ये है तेरा क्या, बॉयलर ड्रम, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल भी काम होता है। और देखा होगा बॉयलर का काम बेसिकली क्या है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, यही हो रहा है, ये है बेसिकली आपका बॉयलर ड्रम, जो हमारा कन्वर्जन होता है। तो आप इसको इन साइकिल में देख सकते हो कि हाँ भाई, कौन सा हमारा इकोनोमाइजर काम कर रहा है और कौन सा हमारा सुपर हीटर काम कर रहा है। आई होप सो, आर यू गेटिंग मी बेटा, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है, चले आगे, चलिए पहले ही लगा दिया था क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। देखो जरा, अब आपके सामने आया रेफ्रिजरेंट वाला क्वेश्चन, पढ़ो जरा, सबने आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, ठीक हो। अब हम लोगों को बोला सबके आंसर सी है, वेरी गुड, बिल्कुल सभी के आंसर सी है भाई। R11 हम लोग यूज करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनर्स के अंदर, R12 हमारा होगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड वाटर कूलर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, और एक और बोल सकते हो जो आपके कार के अंदर जो एसी लगा होता है, वहां पर भी हम इसको यूज कर लेते हैं। R22 हमारा हो जाएगा दैट मींस विंडो एसी, विंडो एसी जो होंगे उनके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। और NS3 आपका हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट के अंदर हो जाएगा। गॉट इट बेटा, वेरी गुड, ऑल आर डूइंग गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लगा दो, हाँ शाबाश, चलिए वेरी गुड, ऑल आर डूइंग गुड बेटा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करते रहिएगा। गुड इवनिंग टॉर्च, बहुत लेट आए भाई, आपको तो टाइमिंग का पता है फिर भी लेट आ रहे हो, तो दिस इज नॉट फेयर। टाइमिंग का पता है, चलो टाइमिंग का नहीं पता हो तो मानता हूं, टाइमिंग का नहीं पता हो कि सर टाइमिंग का नहीं पता था इसलिए थोड़ा लेट आए, चलिए शाबाश। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है रेफ्रिजरेंट से मैं हमेशा आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन जरूर लेकर आऊंगा, तो दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं, इसलिए क्योंकि रेफ्रिजरेंट इंपॉर्टेंट है, और आधे से ज्यादा लोगों को तो रेफ्रिजरेंट समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि चीजें याद करनी पड़ती हैं, और हम जब पढ़ाते हैं चीजों को याद नहीं, बस हंसी में सिखा देते हैं। चलो, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। आ जाओ जरा, बिल्कुल सिंपल सा है, आधे से ज्यादा बोलेंगे सर कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा, मैं इसको बिना कैलकुलेटर के दिखाऊंगा करवा के, लेकिन सिर्फ एक बात पर कि तुम्हें जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें आई होप सो याद हो, तो नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो, किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो दैट मींस
देखो जरा, एग्जामिनर की चाहत को पकड़ो, जब उसने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का नाम लिया तो दैट मींस हमारे सर ने कोई तो फॉर्मूला लिखवाया होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। बोला हां सर, दो फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे थे, एक होता है इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एयर एंटरिंग टू द सिलेंडर टू द क्या स्वेप्ट वॉल्यूम, और एक और हम लोगों ने लिखा था दैट मीन देयर इज अ 1 + C - C / P higher / P lower, ठीक है, और की पावर 1/N, ठीक है। तो आपको C की वैल्यू दे रखी है बेटा, आपको C की वैल्यू दे रखी है। वेरी गुड शिवानी, टेक्निकल एजुकेशन, वेरी गुड बेटा, गो, मे गॉड ब्लेस यू बच्चों, मे गॉड ब्लेस यू। इसका ऑप्शन जो आएगा वो बेटा आपका आगरा आ जाएगा, इसका ऑप्शन होएगा आगरा। That means there is a 95% is the correct answer. 95% is the correct answer. बोला सर, how can we solve this? चलो, तो हम लोग कह रहे हैं कि P higher upon में P lower. तो अगर मैं बेटा इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं P2 upon में P1 लिख सकता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को अगर आप कहो तो बेटा मैं ऐसे लिख दूं, इस क्वेश्चन को अगर आप कहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बता दो जरा, इस इक्वेशन को अगर आप कहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाई मैंने P2 by P1 को क्या किया, रिप्लेस कर दिया V1 by V2 से, बता दो जरा, V1 by V2 से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ऐसे लिख सकता हूं। कितने लोग कहते हैं कि हां सर लिख सकते हो, बताओ। बस मैंने क्या बोला, एक अगर याद है आपको कुछ, अगर आपको फॉर्मूला याद है उसके हिसाब से अगर आप कुछ देख सकते हो तो आपको क्या होगा, चीजें याद हो जाएंगी। चलो लिख सकता हूं सर, क्या होगा n, क्या होगा n इज द एक्सपेंशन कॉफिशियंट, n जो होता है, n जो है वो आपका एक्सपेंशन कॉफिशियंट होता है बेटा, एक्सपेंशन कोएफिशियंट होता है, कौन सा होता है, एक्सपेंशन कोएफिशियंट होगा, ठीक है। लिख सकता हूं मैं ऐसे, कोई बता दे जरा, लिख सकता हूं, चलो किसी ने नहीं बताया बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, P1 V1 की पावर n इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर n, got it? मुझे क्या है यहां पर P2 V2, तो मैंने इसको लिख दिया P2 by P1 इज इक्वल्स टू V1 by V2 की पावर what n, तो मैंने क्या किया, इस n को उठा के हमने इधर पटक दिया, that means 1/n, तो P2 by P1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं कहूं V1 by V2 is what, V1 by V2 is what, बोला सर V1 is the suction, V1 is the suction and V2 is what, बोला सर discharge, V2 is what, डिस्चार्ज। बस अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, 1 + 0.05 - 0.05 डिवाइड कर दो, कितना दे रखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट, ये आउटलेट ये, तो दैट मींस वैल्यू पुट करोगे 95% इज द करेक्ट आंसर, ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, सेम फॉर्मूला लगाया था, वेरी गुड। तो ये चीज है, ध्यान रख लेना, आधे से ज्यादा लोगों को सिर्फ यही फॉर्मूला याद होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, इससे आगे वाला याद नहीं है बेटा, ये कई टीचर नहीं लिखवाते हैं, ये आपको कहां से पता चलेगा, दैट मींस जब आप क्वेश्चंस करोगे, जैसे आज मैंने क्वेश्चंस करवाया तो ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा, नहीं भी है तो खोपचा ढूंढो और खोपचे में लिख लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लगा दीजिए बेटा, लाइक और शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए आपके सामने अच्छा सा है उस, वो तो हमको याद है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको प्रूफ दे दिया कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बेटा, चलिए n की वैल्यू, बेटा n की वैल्यू हमें डिपेंड करता है, n की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हम कंप्रेसर ले रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि n की वैल्यू हमारी क्या होगी, n की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो यहां पर इसमें तो n की वैल्यू चाहिए ही नहीं ना, इसमें तो n की वैल्यू चाहिएगी नहीं, और फिर भी अगर n की वैल्यू लेनी है तो हम लोग n की वैल्यू इतना ले सकते हैं, 1.1 से लेके 1.3 या हम 3.5 3. समथिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, n की वैल्यू चाहिए भी नहीं और फिर भी जब बोल रहे हो तो इतनी वैल्यू इनकी रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट पर आ जाइए, अभी मत कर, अभी मत कर। चलिए आपका क्वेश्चन है सिंपल सा, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को
याद है। चलिए, द लीक इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग फ्रॉन यानी सी एफ सी, अगर आपका सीएफसी, अगर आपका रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेंट है, अगर वो लीक करता है तो आप उसको कैसे पता लगाओगे, उसको कैसे पता लगाओगे? तो बोला गुरुदेव, हम लोगों को पता है कि अगर सीएफसी होता तो हमारा ऑप्शन कौन सा होता? आगरा होता। तो आगरा इज द ऑप्शन इज करेक्ट, आगरा ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अब मुझे बता दो बी ऑप्शन किसके लिए करेक्ट होगा? बी जो ऑप्शन है वो किसके लिए करेक्ट होगा? दैट मींस सल्फर कैंडल, सल्फर स्टिक विच इज डिटेक्टिंग गैस विल स्मोक। जल्दी बताओ, अगर सल्फर कैंडल आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? सल्फर कैंडल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो सल्फर कैंडल आप किसके लिए यूज करेंगे? ठीक है, जल्दी बता दो। एक और हमारे पास आ जाता है, दैट मींस बोला सर हाइड्रोकार्बन, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक और, एक दैट मींस सीएफसी को एक और नाम से जाना जाता है, एक और सीएफसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक और नाम से जाना जाता है, इसके लिए क्या आ जाएगा? NH3। ठीक है, NH3 सल्फर बलंग है। हाइड्रोकार्बन अगर हमारा रेफ्रिजरेंट है, हाइड्रोकार्बन अगर मेरा रेफ्रिजरेंट है तो मैं क्या करूंगा? दैट मींस सोप वाटर टेस्ट, सोप बबल, सोप बबल टेस्ट। ठीक है, सोप का सोप वाटर बबल टेस्ट, ये हम कर लेंगे। इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, हैलोकार्बन, हैलोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फिरॉन भी बोला गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोल दिया, इसको हमने हैलोकार्बन भी बोला। SSC JEE 2019 में क्वेश्चन आया था कि हेलो कार्बन, हेलो जो कार्बन है वो कौन से कार्बन होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही हम हेलो कार्बन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, लिख लीजिएगा खोपचे में कहीं कि भाई सीएफसी को ही हेलो कार्बन बोला जाता है। और रुको, जैसे अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, एक बार हमारा जो पेड कोर्स है उसका एक बार सिलेबस हो जाए, जो पेड कोर्स है अपना उसका एक बार सिलेबस हो जाए, तब तुम लोगों को 2019 के, 2018 के, 2017 के, कम से कम प्रीवियस ईयर के ही सेट्स लगवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम लोगों को ये रहेगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोगों में। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, लाइक और शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर बनता है मेरा बच्चा, लाइक और शेयर करते रहो, मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा इतना फर्ज तो बनता है कि सर लाइक और शेयर हम करते रहे। देखते हैं लाइक और शेयर कितना बंद करते हो, लाइक और शेयर करते रहिए। सी द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इफ क्यूई इज द रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस्ड, क्यूजी इज द हीट एडेड इन जनरेटर पंप वर्क, एंड द क्यूसी एंड क्यूए आर द हीट इज कंडेंसर एब्जॉर्बर। सीओपी ऑफ द सिस्टम विल बी, सीओपी ऑफ द सिस्टम विल बी, सीओपी ऑफ द सिस्टम विल बी। तो बेटा यहां पर क्या बोला गया? COP of VARS. तो हम लोगों को पता है COP क्या होता है? It is the desired effect upon me work input. Desired effect upon me work input. याद करो, block diagram of vapor absorption refrigeration system. The block diagram of vapor absorption refrigeration सिस्टम। तो बेटा डिजायर इफेक्ट को मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिख सकता हूं? बोला हां। तो डिजायर्ड इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको वहां पर किसमें मिलता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको किसमें मिलता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको किसमें मिलता है? बोला सर इवापोरेटर में। तो दैट मींस देयर इज अ क्यूई। इनपुट, आप इनपुट आपने क्या क्या दिया था वेपर एब्जॉर्प्शन में? इनपुट आपने वेपर एब्जॉर्प्शन में क्या क्या दिया था? बोला सर दो इनपुट हम लोगों ने दिए थे, एक जनरेटर को हीट दिया था और एक हम लोगों ने पंप को यूज किया था, एक हम लोगों ने पंप को यूज किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? सीओपी ऑफ VARS। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? चेन्नई नहीं, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग इस ये जो COP है उसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो COP है उसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? COP of VARS। कब? अगर मैं क्या कर दूं, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं,
इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसमें क्या फर्क है, ये क्या है सर, विदाउट पंप वर्क, विदाउट पंप वर्क, इसमें पंप वर्क नहीं है, और ये क्या है, विद पंप वर्क, विद पंप वर्क। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोगों को टेम्परेचर की टर्म में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे TE अपॉन में वॉट, TG, देन T naught माइनस वॉट, TE डिवाइडेड बाय, हाँ जल्दी बताओ, T naught माइनस TE क्या लिखूं, बोला सर TG, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टी नॉट माइनस TE अपॉन में TE माइनस TG, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस TE, और ये हो जाएगा TG माइनस टी नॉट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। टी नॉट हमारा कौन सा टेम्परेचर होता है, एम्बियंट या एब्जॉर्बर। टी नॉट को मैं TAB ले सकता हूं, एब्जॉर्बर टेम्परेचर भी मैं इसको ले सकता हूं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, चलिए चलिए चलिए, शाबाश। तो देखो दोनों फॉर्म में हम लोगों ने देख लिए। देखो ज्यादा इसके क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्यों लेकर आया, ये क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्यों लेकर आया, ये क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स को क्या याद रहता है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर COP याद रहती है ना, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, दैट्स व्हाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते कितने लोग आंसर दे पाते हैं। याद होगा गजन पिन, सुना होगा सभी लोगों ने, इसको बोला जाता है गजन पिन भी हम इसको बोल देते हैं, इसको हम लोग रिस्ट पिन भी बोल देते हैं, WRIST रिस्ट, एक और नाम से जो बोलते हैं, मैं अब इसको नहीं बोलूंगा, अगर वो नाम ही मैंने तुमको बता दिया तो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर मैंने बता दिया तो फिर तुमको नाम ही पता चल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, रूपम, अंजलि, रौनक, सुनील, अविनाश, अनिल, गर्वेज, शिवानी बेटा, शाबाश बच्चों। बोला सर इसको बोला जाता है पिस्टन पिन, पिस्टन पिन, तो ध्यान रखिएगा गजन पिन, पिस्टन पिन, किस किस को जोड़ती है पिस्टन पिन, पिस्टन और स्मॉल रॉड ऑफ कनेक्टिंग, स्मॉल रॉड ऑफ कनेक्टिंग रोड, स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड, एंड पिस्टन को जो पिन जोड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मीन देयर इज अ गजन पिन, रिस्ट पिन और पिस्टन पिन। अच्छा बिग एंड किधर की तरफ जुड़ा होता है, कनेक्टिंग रोड का बिग एंड किसके साथ जुड़ा होता है, बिग एंड किसके साथ जुड़ा होता है, बिग एंड किसके साथ जुड़ा होता है, बोला सर वो हमारा जुड़ा होता है किसके साथ, बोला सर दैट मीन देयर इज अ क्रैंक पिन के साथ। बिग एंड जो जुड़ा होगा वो किसके साथ जुड़ा होगा, क्रैंक पिन के साथ जुड़ा होगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, गजन पिन भी बोलते हैं, रिस्ट पिन भी बोलते हैं, पिस्टन पिन भी बोलते हैं, बड़ा वाला क्रैंक पिन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए क्रैंक शाफ्ट, हाँ क्रैंक रोड जो होती है, क्रैंक रोड, क्रैंक रोड और बिग एंड एक क्रैंक पिन से जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चा, क्रैंक शाफ्ट, हाँ क्रैंक शाफ्ट बोल सकते हो या क्रैंक भी आप बोल सकते हो, क्रैंक रोड बोल दो, क्रैंक शाफ्ट बोल दो, आपकी मर्जी से, और वो पिस्टन पिन क्रैंक पिन बोला जाता है उसको। चलो बिल्कुल लल्लू लाल, बहुत बार किया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम पीपल इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, मैंने भी बहुत बार करवाया है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लेकर आ जाता रहता हूं बार बार, क्यों ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और मैक्सिमम गलत भी करते हैं। चलो चलिए जरा चलिए आंसर देखते कितने लोगों का आंसर आता है। हरिया लाइक और शेयर करते रहिएगा बेटा, लाइक और शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन कॉमनली यूज्ड इन रोड व्हीकल्स आर गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एज, किसमें लिखना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, और वो भी लिखना क्या है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, दैट मींस व्हाट बेटा, बोला सर ब्रेक पावर हीट एडिशन पर सेकेंड, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। आ जाइए जरा,
आ जाइए। रौनक आगरा, रूपम दिल्ली, सिंटू बॉम्बे, अनिल बॉम्बे, अंजलि बॉम्बे, सिंटू बॉम्बे, रौनक आगरा, ठीक है। सुनील आगरा, देखते कितने लोग आंसर देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रौनक आगरा, सुनील आगरा, ज्योति बॉम्बे। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा व्हाट, बोला सर आगरा। सबसे पहले आपका आएगा टू स्ट्रोक एस आई, टू एस एस आई आएगा, फिर आपका आ जाएगा फोर स्ट्रोक सी आई, फोर स्ट्रोक एस आई, फिर आपका आएगा फोर स्ट्रोक एस आई, और देन आपका आ जाएगा क्या, फोर स्ट्रोक सी आई। बेटा आप लोगों को पता है कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा, जिसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा उसी का जो हमारा वो दैट मींस थर्मल एफिशिएंसी उसी की हमारी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, आगरा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन और वो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। चलिए एक और क्वेश्चन और वो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक और लास्ट। चलिए जरा देखते कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। देख लो गलती करने के चांसेस हुए ना, आगे से ध्यान रखना, ब्रेक थर्मल बोला है, कंप्रेशन रेशियो को याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कंप्रेशन रेशियो को याद रखो, काम बन जाएगा। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूं ना, डिक्रीजिंग में लिखे, डिक्रीजिंग में क्यों लिखा भाई, जब उसने इंक्रीजिंग में पूछा है। अगर वो इंक्रीजिंग में पूछ रहा है तो मैं डिक्रीजिंग में लिखूंगा तो सरासर गलत होगा, तो मुझे क्यों ऐसी गलती करनी है। तो गलती नहीं, गलता कर रहा है बेटा, होता ना एक तो ब्लंडर, दैट मींस ब्लंडर। तू तो पढ़ा ही उससे भी बड़ा कुछ काम कर रहा है अविनाश। चलिए चलिए सिंपल सा है, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। इन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल आर इज द कंप्रेशन रेशियो, रो इज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो, एंड गाइस द गामा इज एन स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। देखो जरा बताओ जरा, देखो जरा बताओ जरा, देखो इसमें भी कुछ कुछ गलत कर रहे हैं, इसमें भी कुछ कुछ लोग गलत कर रहे हैं, देखते कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता है। इसमें भी कुछ कुछ गलत कर रहे हैं, अब देखता हूं कितने का आंसर करेक्ट आएगा। चलो सिंपल सा है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। बोला सर कैसे याद रखें। देखो बेटा आपको आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी याद है, बोला सर याद है, तो 1-1 की पावर आर गामा माइनस 1, ऑटो साइकिल की याद है, बोला हाँ सर ऑटो साइकिल की याद है। अब देखो इसको कैसे याद करना है, जब डीजल साइकिल की बात करोगे तो आप लोगों को पता है डीजल साइकिल के अंदर एक और टर्म जुड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं रो, कट ऑफ रेशियो। तो दैट मींस एक रो माइनस 1 ऊपर लगा दो, एक रो माइनस 1 नीचे लगा दो, कोई दिक्कत। एक रो माइनस 1 ऊपर लगा दो, एक रो माइनस 1 नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, एक गामा इस रो के सर पे बैठा दो, एक गामा इसके साथ चिपका दो, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, इट्स कन्वर्टेड इनटू डीजल साइकिल। रो माइनस 1 ऊपर नीचे, एक गामा उसके सर पे बैठाना, एक उसको चिपकाना है, ठीक है। तो आई होप सो बेटा क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी। पहली जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे हम लोग और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक मेहनत करते रहो, ईमानदारी से अपने पथ पर बढ़ते रहो, और हमेशा एक ख्वाब रखना है कि नहीं मुझको अपनी मंजिल पानी है, और उस ख्वाब को हमको पूरा भी करेंगे, और मिल बांट के करेंगे, मेहनत करेंगे, सारी चीजें करेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।